लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे नहीं दी उसने चटनी यार। हाँ अबे चटनी लेने वापस नहीं जाने वाला हूँ मैं जो हर 10 मिनट में तो भूख लगती रहती तुम लोगों को, जाके खुद ही लेके आता जा। Hurting me. मैं नहीं जा रहा। Come with me. भाव मत खा, चुपचाप चल मेरे साथ। साहिल, let me go. साहिल, let me go. I think she's uncomfortable with that. I request it you let her go. चुपचाप यूटर्न ले ले, गांड मार दूंगा। अबे सुनना, धमकी किसी और को दे, समझा क्या? हाथ छोड़। अबे तू क्या कर लेगा बे? 1.5 फुटी है, मेरी आइटम है वो। चुपचाप चला जा वरना मुंह तोड़ दूंगा। मिशन अब बहुत मुश्किल हो गया, हमें बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाना पड़ेगा। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मिलना भी तो मुश्किल है। हमारे पास शो छोटा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता, आज शाम को एमरल्ड प्रॉपर्टीज के मालिक के छोटे बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी, उसके घर पे एक फॉर्मल इवेंट। तो जो मीटिंग मैं पिछले 3 हफ्तों से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वहाँ जाके भी तो कर सकते हैं। उनके ऑफिस में वो होते नहीं, उनका कांटेक्ट कोई दे नहीं रहा। चलो मिल के आते। हलवा है क्या? हाँ मिल के आते, डेट क्रैश करना है। हाँ क्यों डर लग रहा है? भाई डर नहीं लग रहा है, पर हमें अंदर तो दूर की बात है, कोई गेट के पास खड़े रहने तक नहीं दे। गेस्टलिस्ट नहीं होगी क्या वहाँ? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे भी कॉन्फिडेंस पे दुनिया कायम, घुस जाएंगे सीधा। आमीन, लेट्स डू इट। You just have to look good, dress for the occasion.
Let's do it. पूरा फील खराब कर दिया यार. Sir, sir. Me? You don't know who I am. Naya hai? Pehli baar aaya uncle ke ghar. Kya naam kya hai tera? Kaun si agency sir? Sorry sir, actually woh naya hai sir. Please sir. Let's go. दारू पी के भूल तो नहीं गया अपने बारे में? कहाँ है यार ये साले? डोंट गेट पैरानॉइड, रिलैक्स. अरे काका ये पूछ रहा है, कुछ पेपर है जरा लेने के लिए. हेलो. हाँ हाँ बोल. अरे वेर यू गाइज, कितना लेट हो गया है यार. अंकल इज फ्यूरियस. अरे हाँ तो गाड़ी अंदर पार्क कर लेते ना यार, दिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग मेरे को? कहाँ हो, कहाँ से आ रहे हो? कीप कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम देयर. हाँ हाँ ओके 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 ओके. डूड व्हाट, चल चल चल. You guys are so cute. They're like perfect for each other.
So, how did you guys meet? What's your story? There's nothing to tell actually, but it's quite boring. I think it's cute. So we met in college, which was about 5 years ago. I used to hate him when I first met him. ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करता था, मतलब किसी से ही बात नहीं करता था, एकदम एटीट्यूड में अपने आप में ही रहता था. मुझे लगा खड़ूस होगा. आई वॉज दिस ओवर एंड टू वॉन्ट टू डू एवरी थिंग गर्ल. सो सारा काम मुझे ही पकड़ा देते थे कॉलेज में. आई हैव टू डू आर फेस्ट. आर्ट का सेक्शन तो सर के ही अंडर था. सर नो अदर ऑप्शन बट टू गो एंड टॉक टू एंड देन he opened his mouth. So he's not the best looking guy in this world, not by a long shot, but he knew what to say, how to say, and the exact time to say it in. Baat itni achhi kar leta tha, din bhar main bas usi ke bare mein sochti, and then wo mere samne aa jata tha. And I used to just stare at him. And whenever he used to catch me staring at him, he used to give me that typical smile and just say, kya? And I Sharma ke udhar se chali jati thi. And I'm not that Sharmani wali girl, huh? It just, he made me feel like that. He made me feel like a 12-year-old with a boy man crush. Tough and everything, but he's just a teddy bear in real life. I don't know kab pyar hua, bas hona tha, ho gaya. उस दिन मैं हेल्पलेस थी. यू सॉ इट इन माय आईज एंड यू सेड, आज तुम हेल्पलेस थे. आई सॉ इट इन योर आईज एंड आई सेड, टुक योर हैंड एंड गॉट योर अदर जस्ट लाइक यू डिड. सो नाउ वी लीव. ओके, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे तो दोस्त की ग्रेजुएशन पार्टी है एज एन फैमिली. वन सेकेंड, तुम इनकी फैमिली फ्रेंड हो? हाँ, क्यों? क्या करती है आपकी फैमिली श्रेया? कुछ खास नहीं, पापा की कुछ फैक्ट्रीज है, दे मेक पार्ट्स फॉर सम ऑटोमोबाइल्स और समथिंग. वेरी बोरिंग डील. मतलब आपकी फैमिली इनको एज इक्वल्स जानती है, राइट? सो यू आर रिच? आई एम नॉट रिच, माय डैड्स रिच. ओह प्लीज, आई डोंट वांट दैट पुच. सो यू आर रिच? हां, नाउ यू कैन हेल्प अस इन मीटिंग. घर में इस तरह से घुसने की हिम्मत भी कैसे की? तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा था कि इस तरह से तुम मेरे बिना परमिशन के घर में घुसोगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हां, डू यू थिंक तुम्हारे यहां खड़े रहने की औकात भी है? इस पार्टी में तुम्हें कोई जानता भी है? आई डू अंकल, ही इज विद मी. श्रेया, तो ये तुम्हारा दोस्त है? इसने तो कहा कि ये किसी को भी नहीं जानता, और अगर ये जानता भी है तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप बिना किसी के बुलाए उसके घर में घुस जाओ. ऑनली बिकॉज ऑफ दिस यू नीड सम चैरिटी. चैरिटी?
अंकल नहीं चाहिए चैरिटी। और हम पूछ भी किसको रहे हैं यार, इन्होंने तो अपने बेटे की डिग्री भी पैसे देके खरीदी है और खुद ही ग्रेजुएशन पार्टी भी थ्रू की कि देखो मेरा नालायक बच्चा पास हो गया। गोल्ड मेडल दे अब उसको, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क इन सब जगह जाके आप बड़े बड़े शोज देख रहे, ब्रॉडवे की बातें कर रहे थे ना आप उनसे, खुद कुछ क्रिएट करने लायक टैलेंट यहाँ किसी में नहीं है और जो कोई कर रहा है rather than helping them out, call it charity. Charity नहीं चाहिए हमको, हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि क्या है कि हम जैसे लोग दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखते हुए भी इसमें रंग बनने की कोशिश करते हैं। आएगा जरूर हमारी पेंटिंग भी। टिकट्स लेके आना, वो क्या है कि हम चैरिटी नहीं कर रहे। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कॉन्फिडेंस। अपने आप पे भरोसा हो तो राह अपने आप निकल आती है, थोड़ी खोजने की जरूरत है बस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पे दुनिया कायम है। मैं खुश हूँ। हाँ बिलाल बिल्कुल, क्यों तुम नहीं हो? What am I doing? क्या कर रहा हूँ प्रिया मैं? जो तुम हमेशा से करना चाहते थे वो है, पर what am I doing for us? हमारे फ्यूचर का क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों के बीच में ना मैं तुम्हें कुछ नहीं रख पा रहा हूँ, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ फ्यूचर के लिए करना ज़रूरी है क्या? कुछ प्रेजेंट के लिए नहीं कर सकते, अपने के लिए, अभी के लिए, आगे की देखी जाएगी। And you're smart enough to figure something out, Bilal. But all of this is worth only if you are happy. खुश हो, दिल से कर रहे हो तो फायदा है, वरना वैसे बंच में 9 to 5 करना था। और तुम्हारी एंगेजमेंट? हमारी एंगेजमेंट तो उसी दिन हो गई थी मिस्टर बिलाल अली, जिस दिन आपने अपने अबू से मेरे लिए चाटा खाया था। वो वाला बिलाल अली मुझे बहुत हॉट लगता है, ऐसे अपने फैमिली के सामने खड़े होके बोल दिया था कि मैं शादी करूँगा तो इसी से ही करूँगा। उफ, हॉटनेस। बस बस मिस्टर अली, जान लोगे क्या? What I do without you? Nothing. You don't have to do anything without me. Yaro ki chude le tere piche piche aavengi, dasak dengi tere vaazo pe ghanti bajavengi, khade ga riksha pakad kar pahunchengi neendon mein, khwabon mein nachengi khwabon mein hi so jaavengi jogiya.
जोगिया 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 जोगिया।